शुरू करते हैं। तो मटर पफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए होगी वेज पफ। बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले रखी है मैदा, ये हमारी मैदा है, हमारी 3 कप मैदा हमने ले रखी है। और ये है हमारे पास 1 कप मटर, और ये है हमारे पास बड़े साइज़ के 2 आलू जिनको कि हमने उबाल के मैश कर लिया था। और ये है हमारे पास प्याज, मिर्ची, धनिया और चिली फ्लेक्स। अब हम अपनी मटर पफ की फिलिंग बनाते हैं। मटर पफ की फिलिंग बनाने के लिए हमने यहाँ पे एक कढ़ाई में ले रखा है 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच जीरा। अभी हम इसमें ऐड करेंगे अपनी प्याज और इसे फिर भून लेंगे। अब हम इसे कंटिन्यू चलाते हुए इसे भून लेंगे ताकि ये प्याज हमारी जल ना जाए। अब हम इसमें अपनी मटर ऐड करेंगे और मटर को भी फ्राई कर लेंगे साथ में। ये हमने उबाल ली है अपनी मटर, और मटर को उबाल के हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम अपनी मटर को भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे आलू। ये हमने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, हमने उबाल के मैश करके हमने इस्तेमाल किया है। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे पूरे में। अभी हम इसमें ऐड करेंगे मिर्ची कटी हुई, धनिया और चिली फ्लेक्स। और सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1/2 चम्मच काला नमक डालेंगे अब हम इसमें। अभी हम अपने मसालों को मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच काली मिर्च। काली मिर्च से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब हम नमक को भी अच्छे से पूरे मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे अपना। अभी हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच बेसन। बेसन डालने के बाद अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके पका लेंगे बेसन को भी। अब बेसन डालने से बाइंडिंग भी अच्छी आएगी और फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बेसन डालने के बाद अब हम इसे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे ताकि बेसन पूरे में मिक्स हो सके। अभी हमारा मसाला रेडी हो चुका है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच चीनी। चीनी डालने से फ्लेवर मटर का बहुत ज़्यादा निखर के बाहर आता है। अब हम चीनी डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमने यहाँ पे ले रखे हैं 3 कप मैदा। अब हम इसमें ऐड करेंगे अजवाइन 1/2 चम्मच। इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक। अब इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून ऑयल। अब हम ये तीनों चीज़ों को अच्छे से अपने डो में मिक्स कर लेंगे आटे में। हमें अपने पूरे में अपने डो में ऑयल मिक्स कर लेना है ताकि हमारा जो मैदा है वो वाटर रेजिस्टेंट हो जाएगा और ग्लूटेन भी नहीं बनेगा इससे। अब हमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक डो बना लेंगे। हमें अपना डो थोड़ा कड़ा रखना है। अगर डो कड़ा नहीं होगा तो फिलिंग करने में प्रॉब्लम हो सकती है। रेडी हो चुकी है। अब हम इसे 15 मिनट की थक के रेस्ट करने देंगे। 15 मिनट टेस्ट कर चुका है और हमारे आलू भी अब ठंडे हो गए हैं। अब हम अपने डो की लोइयाँ काट लेंगे। हमने अपने आटे की 10 लोइयाँ काट ली हैं। इससे लगभग 20 के आसपास हमारे मटर पफ्स बन जाएंगे। अभी हम इसे बेल लेंगे। हमें इसे पतला पतला बेल लेना है और हमें इसको रेक्टेंगुलर शेप में रखना है ताकि मटर पफ में स्टफिंग करने में आसानी हो सके। अब
अब हम इसमें से एक्स्ट्रा साइड्स हटा देंगे और अब इसे बीच से आधा आधा कर लेंगे दो पीस में। अब एक साइड में हम फिलिंग भरेंगे अपनी, ये हमारी हमने फिलिंग ले रखी है, अब हम उसको एक साइड पे रख देंगे। अभी हम पानी लगा के साइड्स को सील कर लेंगे और इसको दूसरी लेयर के साथ कवर कर देंगे। ऐसे प्रेस कर देंगे सब साइड से ताकि जुड़ा रहे और एक्स्ट्रा साइड्स को हम काट के निकाल देंगे। बॉक्सेस की साइड्स पे क्रिम्प कर लेंगे, क्रिम्प करने से सील हो जाता है, फिर खुलेगा भी नहीं। अगर आप चाहें तो इसे गुजिया मेकअप में भी बना सकते हैं। अभी हमारे सारे बटन्स रेडी हो चुके हैं, अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। हम अपने मटर बस को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमारे तेल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इन पर दाग बन जाते हैं। मटर पफ्स सही से नहीं फ्राई होते हैं, अंदर से कच्चे रह जाते हैं, स्ट्रेची हो सकते हैं मटर पफ्स, इसीलिए हम इन्हें ज़्यादा गर्म तेल में नहीं फ्राई करेंगे। इसे धीरे धीरे करके ऐसे फ्राई करना है जब तक कि गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। सारे मटर पफ्स सिक्के रेडी हो चुके हैं, हमने इन्हें इमली की मीठी चटनी के साथ सर्व किया है, खट्टी मीठी चटनी के साथ। ये देखिए कितने अच्छे हमारे मटर पफ्स बने हैं सारे, ये देखिए कितने क्रिस्पी बने हैं हमारे। अरे फिलिंग भी देखिए कितनी बढ़िया है इसमें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे कोई भी लेटेस्ट वीडियो को मिस ना कर सकें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।